औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैथ क्लास फिफ्थ हेवन किड स्कूल सिस्टम पेज 3 और 4 यूनिट 1 का प्लेस वैल्यू आपकी रिवीजन है। मैंने सिर्फ 3 और 4 पेज लिखा है, हालांकि आगे आपकी सब्ट्रैक्शन एडिशन के हैं, लेकिन चूंकि वो अलग हो जाते हैं मैंने रिवीजन में वो नहीं दिया। और इसको काम को भी 5 दिन में सिर्फ 2 पेजेस को डिवाइड किया है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से दोबारा रिवाइज़ कर लें। अब ये मैं पहले आपको प्लेस वैल्यू आपकी रिवाइज करवाऊंगा, शॉर्ट एंड एक्सपेंडेड फॉर्म उसकी, कंपेयरिंग थ्रू प्लेस वैल्यू। आपने पिछली क्लास में 100 मिलियंस तक पढ़ा था, इसमें जो है वो बिलियंस बस ऐड हुआ है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000 और 1,000,000,000, ये आपका जो है वो यहाँ तक टोटल आपका काम है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जनरल कॉन्सेप्ट्स के। सपोज़ आपको कोई कहता है कि जी 100 जो है वो 1000 में मैक्सिमम जो आपके डिजिट हैं वो कितने होंगे, तो आप पहले से काउंट करके रखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट होंगे। लेकिन अगर वो कहें कि इसमें ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो 5 ज़ीरोज़ होंगे। और मिनिमम जो अमाउंट है 100,000 में वो कितनी होगी, यहाँ पर 1 लगा दें, बकिया जो है वो 0 लगा दें, वो मिनिमम है। और मैक्सिमम सारी 9 कर दें, वो मैक्सिमम होगी, उसके आगे जो है वो आपका अगला आ जाएगा। इसी तरह से आपका जो मिलियन है वो मैक्सिमम कहाँ पे जाएगा, मिलियन के डिजिट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके ज़ीरोज कितने हैं, वो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे सारे 0 लगा दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो मिनिमम डिजिट है वो कितना है, वो 1 के बाद तमाम ज़ीरोज, मैक्सिमम कितने हैं, सारे 999 कर दीजिए। इसी तरह से 10 मिलियन के आपका जो है वो डिजिट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर जो है वो यहाँ पे इसके बाद ज़ीरोज होंगे तो कितने हैं, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरह 100 मिलियन के जो है वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बिलियन का कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो आपका मिनिमम उसकी वैल्यू होती है वो जिसका पूछा गया हो वहाँ पे 1 लगा के सारा 0 होती है, और जो मैक्सिमम होती है वो तमाम 9 पे होता है। इस शक्ल में इसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। ये इसकी जो है वो राइट इन वर्ड्स, ये उसका जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, आप कह लें न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये मैंने जो है वो बिलियन की एक वैल्यू दी है, इसको देखें यूँ लिखेंगे 8 बिलियन, ठीक है। अब जो मिलियंस हैं वो 3 हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। जो 100 मिलियन है और 10 मिलियंस के दरमियान एंड आता है, इसी तरह से 100,000 और 10,000 के दरमियान एंड आता है। तो 8 बिलियन, यहाँ पे कुछ जगह कम होने की वजह से मैंने बिलियन ऊपर लिखा है, 525 मिलियन। मैंने कहा था मिलियन लिखने से पहले हम जो है वो ये 500 भी मिलियन ही है, ये लिखना ज़रा बात का ऑकवर्ड लगता है कि 500 मिलियन एंड 25 मिलियन। मिलियन एक दफ़ा ही लिखेंगे, 500 एंड 25 मिलियन। इसी तरह से 1000 भी 3 है, 700 एंड 62,000 एंड 62,000। 200 के बाद तो आपको पता ही है जो है वो सिर्फ 2 डिजिट रह जाते हैं, 3 डिजिट वाली वैल्यू 100 वाली कराती है, 200 एंड 62। ये इसकी जो है वो वर्ड में आपने फॉर्म अगर सवाल आए तो लिखना है। अगर वो कहें कि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो मैंने अभी आपको वो ज़ीरो इसलिए बताए थे कि वो एक्सपेंडेड फॉर्म में यूज़ होते हैं। बिलियन के बाद आपने, पहले मैंने बताया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ज़ीरो लगा दें, जो आपका ये 100 मिलियन है, उसके बाद 8 ज़ीरो, फिर जो है वो 10 मिलियन है, उसके बाद 7 ज़ीरो खाली, मिलियन के बाद आपके 6 ज़ीरो, फिर 100,000 के बाद 5 ज़ीरो, फिर 10,000 के बाद 4 ज़ीरो, उसके बाद जो है वो खाली 2000 के बाद 3 ज़ीरो, और 100 के बाद 2 डिजिट होते हैं 2 ज़ीरो, जितने डिजिट हैं उतने 0, 10 के बाद एक ही डिजिट है 1 ज़ीरो प्लस 2, इनको आप सबको प्लस करेंगे तो आपको वापस ये अमाउंट हासिल हो जाएगी। इस शक्ल में लिखने को एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। ये मैंने हर नंबर के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा के सबको प्लस कर लें, दोबारा असल नंबर हासिल हो जाता है। ये एक जो है वो बड़ा और छोटा के लिहाज से जो है वो आपने ग्रेटर और स्मॉलर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है
के नीचे से सीढ़ियाँ, पहले स्टेप फिर दूसरा तीसरा चौथा, कम से ज़्यादा की तरफ जाना, और डिसेंडिंग होता है ज़्यादा से कम की तरफ जाना। इसे कंपेयर करने का तरीका ये है, इससे जो है वो आपने जो प्लेस वैल्यू है ऊपर प्लेस की, उसके नीचे तमाम डिजिट लिख दिए और लेफ़्ट साइड से कंपेयर करना शुरू किया कि कौन सा बड़ा है। पहला सारा 7 बिलियंस है इक्वल, फिर 100 मिलियंस इक्वल। ये बात बच्चों को ऊपर नज़र आ रहा होगा, लाख 10 लाख करोड़। ये मैंने आइंदा के लिए कहीं यूज़ हो तो लोकल वैल्यू लिखी है, वो वैसे यूज़ इंटरनेशनल वैल्यू में नहीं होती। अब ये देखें, ये 800 मिलियन में वही है, 10 मिलियन में सारा 2 है, ये मिलियन में सारा 5 है, 100,000 में सारा 7 है, 10,000 में सारा 6 है, 1,000 में 1 में 2 है, 1 में 1 है और 1 में 4 है, बकिया 312 312 312 312 है। इसका मतलब हम इनसे डिसाइड करेंगे, ये 2000 है यानी 2 के बाद 3 ज़ीरो, ये 1000 है 1 के बाद 3 ज़ीरो, ये 4000 है 4 के बाद 3 ज़ीरो। तो आपने देख इसमें अगर देखें तो आपको साफ चल जाएगा कि सबसे बड़ा 4000, उसके बाद 2000, उसके बाद 1000। ये तो हमारा जो है वो डिसेंडिंग में आ जाएगा सबसे बड़ा, असेंडिंग में सबसे छोटा पहले लिखेंगे 1000, फिर 2000 वाला और फिर 4000 वाला, खाली उनको नहीं वो अमाउंट 7। ये जो है वो देखें 1312, फिर 2312 वाली अमाउंट, फिर 4312 वाली अमाउंट। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर आ गया, डिसेंडिंग में सबसे पहले बड़ी 4000 वाली, फिर 2000 वाली और फिर 1000 वाली। ये हमारा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। आपकी होम असाइनमेंट जो है वो डे 1 में पेज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये उसके पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये उसके पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये उसके पार्ट्स हैं। डे 2 में पेज 4 पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी सी डी पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बी सी पार्ट्स हैं। डे 3 में पेज 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी सी डी, और क्वेश्चन नंबर 7 है ए बी सी डी ई एफ, क्वेश्चन नंबर 8 है ए बी सी डी। यहाँ पे फिर पेज 4 ही है, मैंने लिखा नहीं, जगह की कमी है। डे 4 क्वेश्चन नंबर 9 ए बी सी डी ई एफ, और क्वेश्चन नंबर 10 ए बी सी डी। इस तरह डे 5 में क्वेश्चन 11 है ए बी सी डी ए बी सी पार्ट्स, और क्वेश्चन नंबर 12 है ए बी सी डी। ये जो काम दिए मैं थोड़ा सा सिर्फ बता दूँ पढ़ के, एक्सरसाइज 1A है, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन दी ब्लैंक्स, इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन, ये मैंने अभी बताया है, यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स है, ये फिल की हुई है, देखना नहीं चाहिए। 1 मिलियन में कितने डिजिट होते हैं, इसी तरह से आप देखें कि ये वैल्यू रिंग की हुई है, यहाँ से पढ़ के बताना है कि इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे जो है वो प्लेस वैल्यू क्या है, कि मिलियन है, लाख है, मिलियन है, 10 मिलियन है, 100 है, 1000, जो भी आपका। इसी तरह से जो है वो आपने ये पढ़ा, इसको जो है वो देखिए सी का जो है वो है कि कंप्लीट द सीक्वेंस, सीक्वेंस आपने देखनी है, वो पढ़ें आखिरी देखें कि वो एक एक, ये 286, ये 486 जा रहा है, यहाँ पे 386 जो है वो आएगा। इस तरह से पढ़ के आपने जो है वो ये देखना है, ये ट्रू और फॉल्स है कि एज़ पर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट इज़ रिटन एज इन दिस वैल्यू, कि इसको ऐसे लिखा जाता है, इसमें गैप यूँ देते हैं कि जो 1000 वाले तीनों हैं वो अलग हों, जो मिलियन वाले तीनों हैं वो अलग हों, अगर बिलियन वाला है तो वो अलग हो, उनके बाद आपने स्पेस देना है। सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये उसके मुताबिक स्पेस है जो अभी आपने सीखा है। फिर आपने जो है वो देखना है कि लेस देन 42, ये नंबर 200 लेस देन, इससे 200 इसको लेस करके देखना है कि क्या ये आंसर आता है कि नहीं आता। इस तरह से आपने जो है वो ये जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट को आए हैं ये उसके मुताबिक ही सवाल हैं। ये आपने जो है वो, ये तीसरा सवाल है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन ऑप्शन 3,735,205 इन फिगर, क्या इसमें से कौन सा है, ये आपने देखना है प्लेस वैल्यू के लिए। हाई चेक करें द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट 10 मिलियंस, 10 मिलियंस का मतलब क्या है, ये TEM का मतलब, सॉरी मैं खुद ही बोल गया हूँ आंसर, यहाँ पे आपने देखना है कौन सा है। इसी तरह से जो है वो सी है, ये बहुत सिंपल से जो सवाल हैं सारे, विच इज़ द गिवन नंबर मैचेस विद द एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो इसमें से अगर इनको प्लस कर लें तो कौन सा नंबर हासिल होगा, ये अभी आपको तरीका मैंने बता दिया था कि अगर आप इनको प्लस करते जाएंगे तो ज़ीरो ही सिर्फ जो है वो सारे ख़त्म होंगे, बकिया वो चीज़ दोबारा आ जाएगी, उसको देख लीजिए। फिर राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, इनको वर्ड्स में लिखना है, प्लेस वैल्यू ऊपर लिख के वर्ड्स में लिखिए।
ये आपकी जो है वो एक्सरसाइज है फोर पे आप, और एंड पे जो है वो राइडिंग नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में इनको लिखना है, उसके मुताबिक कितने ज़ीरो लगा के प्लस करना है। फिर अरेंज द नंबर डिसेंडिंग, जैसे मैंने बताया डिसेंडिंग में लिखना है उनको आपस में मैच करके। और इसमें प्रीडिसेसर का मतलब होता है इससे पहला नंबर कौन सा है, और जो है वो मेरा प्रीडिसेसर ही है इसमें और कुछ भी नहीं है। ये आपने सवाल जो है वो हल करने हैं। अभी अगला बड़ा सिंपल है लेकिन मैंने साथ दिया नहीं कि मिक्सअप हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह है, वो नेक्स्ट हम रिवाइज़ करेंगे।